हाय फ्रेंड, कुक विद ज्योति में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके पास नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम दम बिरयानी बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम चावल लेंगे, चावल को धो के साफ कर लेंगे। उसके बाद मैंने बीन्स लिया है और जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और एक आलू लिया है, आलू को भी मैंने काट लिया है। दो हरी मिर्च, एक प्याज है। इधर मैंने सोयाबीन को 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम चावल को धो के गैस पर कुकर रखेंगे, कुकर को गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब इसमें हम तेल डालेंगे। उसके बाद इसमें हम जीरा है, 2-3 लौंग है, काली मिर्च है, 2 हरी मिर्च है। उसके बाद हम प्याज है, इन सबको तेल में डाल दें। इसको हम थोड़ी देर ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो ऐसे चलाते हुए इसको हम भून लेंगे। ये देखिए भुन गया है। अब इसमें हम सोयाबीन डाल देंगे, इसको भी हम थोड़ी देर तल लेंगे। जब यह थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम बीन्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे चलाते हुए इसको हम भून लेंगे। अब इसमें हम आलू डाल देंगे और मैंने बीन्स जो काट के रखा है उसको भी डाल देंगे। अब इन सभी सब्जियों को हम अच्छी तरह से इसमें तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सभी सब्जियां मेरी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम चावल डालेंगे, इसको भी हम 2 मिनट तक ऐसे भूनेंगे। चलाते हुए हमें भूनना है, आंच को धीमा ही रखना है। ये देखिए, चावल मेरा भून गया है। अब इसमें हम, ये देखिए, 1 चम्मच मसाला है और 1/2 चम्मच हल्दी है, इसको मैंने डाल दिया इसमें। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सबको भी अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम पानी डालेंगे। अगर आपने 1 कप चावल लिया है तो इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। तो ये देखिए, पानी डाल के मैंने कुकर को बंद कर दिया है। अब ये देखिए, मेरा 1 सीटी आने पे मैंने इसको बंद कर दिया था। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये दम बिरयानी बनके रेडी हो गई है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और सब्जी के भी साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को भी पसंद आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।